दोस्तों हमारा ये जीके का नया चैनल है स्टडी इंडिया। यहाँ पर हम लोग जीके का क्वेश्चन और आंसर लाते हैं। तो आज भी हमने एक नया वीडियो बनाया है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और आप चाहते हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों को ये वीडियो एक बार ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूँ तो आप सबको पहले ही पता चले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीज लैंग्वेज ऑफ मुगल्स, ठीक है। मुगल जब स्थापित हुआ था, मुगल लैंग्वेज कौन सा था, ठीक है, मुगल देश का लैंग्वेज कौन था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पारसियन, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी बंगालियन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। क्या होगा सही ऑप्शन? सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए पारसियन, ठीक है। सही आंसर होगा पारसियन, ये देख लीजिए, ठीक है। व्हाट इज़ द कंट्रीज लैंग्वेज ऑफ मुगल, मुगल देश का या फिर मुगल कंट्री का लैंग्वेज कौन सा था, वो होगा पारसियन, ठीक है। आप बताइए क्वेश्चन नंबर टू पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट वॉज द रूल ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का रूल या फिर कानून कौन सा था। यहाँ पर ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी नॉन ऑफ अबव। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए मनाली, ठीक है, ये देख लीजिए मनाली, ठीक है। सॉरी मैसूर हो, ठीक है, ऑप्शन होगा मनाली, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वॉज द रूल ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का रूल क्या था, मैसूर मनाली नॉन ऑफ अबव। सही आंसर जो होगा मैसूर, ठीक है। आप तो है क्वेश्चन नंबर थ्री पर, व्हाट वॉज द गोवा लिबर्टी, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1998, ऑप्शन बी 18 दिसंबर 1961, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1961, एंड ऑप्शन डी 18 नवंबर 1961। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 18 दिसंबर 1961, ठीक है। एक बार ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन वाज गोवा लिबर्टेड, गोवा लिबर्टेड कब स्थापित हुआ था, वो होगा ऑप्शन बी, सही आंसर होगा ऑप्शन बी 18 दिसंबर 1961, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर फोर पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट द फॉलोइंग इज कॉल्ड एक्सेस पावर इन वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू का एक्सेस पावर कौन सा देश था, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इटाली, ऑप्शन बी इटाली जर्मनी एंड जापान, ऑप्शन बी इटाली जर्मनी एंड यूरोप, ऑप्शन सी इटाली जर्मनी एंड चाइना, ऑप्शन डी इटाली जर्मनी एंड USA। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ये देख लीजिए ऑप्शन ए जो है वो है सही आंसर, इटाली जर्मनी एंड जापान, ठीक है, इटाली जर्मनी एंड जापान। अब है क्वेश्चन नंबर फाइव पर, वेयर डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, ठीक है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1939। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए 1914, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, वर्ल्ड डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, द्वितीय विश्वयुद्ध कब हुआ था, वो था पहला विश्वयुद्ध, ये जो सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है ये है द्वितीय विश्वयुद्ध कब हुआ था, व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, ये होगा क्वेश्चन नंबर बी। ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1913, एंड ऑप्शन सी 1920, एंड ऑप्शन डी 1930। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी 1939, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेवन पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हेयर वाज एडॉल्फ हिटलर बोर्न, एडॉल्फ हिटलर का कहाँ जन्म पैदा हुआ था। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया में एडॉल्फ हिटलर का पैदा हुआ था, ऑस्ट्रिया में एडॉल्फ हिटलर पैदा हुआ था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कितने आर्टिकल्स है भारत का संविधान में। ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 220, ऑप्शन डी 440। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी 448, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन पर आते हैं, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है, सुप्रीम कमांडर कौन होता है आर्म फोर्स यानी कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ये देख लीजिए ऑप्शन ए, ठीक है।
ऑप्शन ए समंदर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर, व्हिच कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिकन, ऑप्शन डी जापान। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए इंडिया, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, हाउ मेनी मैक्सिमम एज ऑफ गवर्नर। गवर्नर का मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 33 एंड ऑप्शन डी 36। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये लिख लीजिए ऑप्शन बी 35 गवर्नर का उम्र होना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी सिक्स, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 9, सॉरी ऑप्शन बी 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब रहे क्वेश्चन नंबर 12 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, हु इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। सही आंसर जो होगा होगा लोकसभा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो है सही आंसर। ठीक है, अब आते हैं एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, हु इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ लोकसभा, सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लोकसभा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, हाउ मेनी मैक्सिमम एज MLA, MLA का मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 40। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए 25। ठीक है, 25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज आर रीजनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत के संविधान में कितने आंचलिक भाषा है, कितने आंचलिक भाषा को रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि कहा गया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 18। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी 22। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर वाज़ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1950, 1952, 1951, ऑप्शन डी 1956। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी 1951। ठीक है, 1951 को। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थनीति का फादर किसको कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी लॉर्ड बियर, ऑप्शन सी एलन बालान, ऑप्शन डी लॉर्ड लाइटन। सही आंसर जो होगा होगा सबको पता है, क्योंकि एडम स्मिथ को ही इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। ठीक है, अब बताए क्वेश्चन नंबर 70 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु रोड द बुक प्लैनेट इकोनॉमिक फॉर इंडिया। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है एम विश्वावर्गन, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी जो है लॉर्ड लाइटन। सही आंसर जो होगा होगा ए, ऑप्शन ए एम एम विश्वावर्णम। ठीक है, देख लीजिए ये नाम थोड़ा कठिन है, ये जो नाम है ये थोड़ा कठिन है, एम फिशवर्स वनारायण। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 80 पर, ठीक है, इन व्हिच ईयर वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेट अप। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन सी डी 1955। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी 1952। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 90 पर, यहाँ पर पूछा गया है वेयर इज द पब्लिश बाय इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को दो बार रेलवे में आया था। ठीक है,
When was the decimal system of currency introduced in India? Where was the decimal system of currency introduced in India? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1951. सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 1957. ठीक है, आप बताए क्वेश्चन नंबर 21 पर. यहाँ पर पूछा गया है हु बियर द सिग्नेचर बाई द 10 रुपीज नोट. ठीक है, जो 10 रुपीज का जो नोट होता है उस पर किसने सिग्नेचर, कौन है, कौन सिग्नेचर करता है. यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री फाइनेंस, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, ये देख लेते हैं गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, इस क्वेश्चन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी बार दिखा गया था. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एग्जाम होता है लिखित, वहाँ पर आया था. ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को स्टेट बैंक जो SBI में जो क्लर्क का वैकेंसी जब निकाली गई थी तो उसका जो रिटर्न एग्जाम आया था उस पर ये क्वेश्चन आया था. व्हाट इज़ ब्लैक मनी. यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए इनकम ऑफ व्हिच पेमेंट ऑफ टैक्स इज यूजुअली अवॉइडेड, बी दे इलीगल मनी, ऑप्शन सी दे नॉन ऑफ अबव. सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है. ये देख लीजिए सही आंसर है. ठीक है, इनकम व्हिच पेमेंट ऑफ टैक्स इज यूजुअली अवॉइडेड. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 पर. यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया. ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया. ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सिटी यूनियन बैंक. सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान. भारत का पहला बैंक कब स्थापित, कौन सा पहला बैंक था जो स्थापित हुआ बैंक. यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन तो ए ही है, सही आंसर ए है. ठीक है, ये होगा आंसर बैंक ऑफ हिंदुस्तान. ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा. व्हाट नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज सिंस 1969. कितने बैंक्स नेशनलाइज हुआ था 1969 पर. यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18. सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी 40 बैंक्स. ठीक है, साधा अब है क्वेश्चन नंबर 25 पर. 25 पर पूछा गया है व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट. ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950. सही आंसर जो होगा वो होगा 1948. ठीक है, ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, ये देख लीजिए 1948. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर. यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फॉलोइंग इज द बैंकर्स ऑफ बैंक्स. ठीक है, इज द बैंकर्स ऑफ बैंक्स. सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी येस बैंक एंड ऑप्शन डी यूनियन बैंक. सही आंसर जो होगा होगा क्या होगा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है. ठीक है, ये देख लीजिए RBI. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 पर. यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द पोरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, भारत का गरीब राज्य कौन सा है. ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु. सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी उड़ीसा पोरेस्ट स्टेट. ठीक है, यानी गरीब राज्य. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर. यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया. भारत का मिल्क प्रोड्यूसर यानी कि दूध प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा दूध प्रोडक्शन करता है वो है यूपी. ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी पंजाब. सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए यूपी उत्तर प्रदेश. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 पर. यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी टोटल मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 390, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 378, ऑप्शन डी 400.
सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी 389। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो आरबीआई में एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब रहे क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर पूछा गया है इन विच यूर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेटअप। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए नवंबर 1946, ऑप्शन बी नवंबर 1945, ऑप्शन सी नवंबर 1944 एंड ऑप्शन डी नवंबर 1949। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए नवंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप हुआ था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी एंड ऑप्शन डी कार्ट। कार्ट मतलब जो ताश होता है, ताश उसको बोलते हैं कार्ट। ठीक है, सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी हॉकी। हॉकी भारत का नेशनल स्पोर्ट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तीन बार हम आया था आरबीआई का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। भारत पहली बार कब न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1996 एंड ऑप्शन डी 1947। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी 1974। 1974 में भारत ने पहली बार फर्स्ट इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, अब उठाए क्वेश्चन नंबर 33 पर। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो बॉल है वहाँ पर कितने प्लेयर रहता है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 9 प्लेयर रहता है। ठीक है, अब उठाए क्वेश्चन नंबर 34 पर। यहाँ पर पूछा गया है विच इंडियन पोलिटिकल पार्टी फर्स्ट लॉन्च इट वेबसाइट ऑन इंटरनेट। भारत का पहला कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था जो पहली बार इंटरनेट में वेबसाइट बनाया था। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए AGP, ऑप्शन बी BJP, ऑप्शन सी AAP यानी कि आम आदमी पार्टी एंड ऑप्शन डी कांग्रेस। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी BJP पहली बार वेबसाइट इंटरनेट में बनाया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट वॉज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ठीक है, भारत का कौन सा वो पहला न्यूज़पेपर था जो इंटरनेट पे अवेलेबल था। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी द प्रेस एंड ऑप्शन डी द स्टेटमेंट। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए द हिंदू। द हिंदू पहला न्यूज़पेपर था जो पहली बार इंटरनेट पर डाला गया था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 पर। यहाँ पर पूछा गया है हु वाज द फाउंडर बाय द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडर कौन था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए SC बोस, ऑप्शन बी मोरेनन रमन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड लाइटन। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए यानी कि SC बोस। SC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, अब उठाए क्वेश्चन नंबर 37 पर। यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर पासिड इन इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1920 एंड ऑप्शन डी 1927। सही आंसर जो होगा वो होगा 1924। इंडिया में पहली बार सिटीजनशिप एक्ट पासिड हुआ था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 पर। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर इन इंडियन नेशनल फ्लैग्स। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 26। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी 24। ठीक है, हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर इन इंडियन नेशनल फ्लैग। 24 स्ट्रोक्स रहता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 पर। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू लोकसभा। लोकसभा में कितना मेंबर्स यानी कि सदस्य रहता है, नॉमिनेटेड होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 2। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी 2 मेंबर्स। ठीक है, अब रहे क्वेश्चन नंबर 40 पर। यहाँ पर पूछा गया है द हिस्टोरिकल असम अकॉर्डिंग साइन ऑन डेस्क। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 5th अगस्त 1985, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1986, ऑप्शन सी 5th अगस्त 1986 एंड ऑप्शन डी 5th अगस्त 1919। सही आंसर जो होगा होगा 5th अगस्त 1985। ये होगा सही आंसर। ठीक है,
फ्रेंड्स, आज हमने ये यहाँ पर 40 क्वेश्चन जीके क्वेश्चन को दिया है। कल फिर एक नया वीडियो लाऊंगा, तब तक आप सुरक्षित रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर करना, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको पहले ही पता चले। तो आज के लिए चलते हैं, थैंक यू।